तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का वन शॉट। एक सिंगल वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से इस चैप्टर की बेस्ट वाली रिवीजन में करवा दूंगा आपको। बट जो है भैया, आपको ये चैप्टर पूरा देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कंसंट्रेट होगे तभी आप इसके हर एक क्वेश्चन को लगा पाओगे, चाहे वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो कंडीशन वही है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंसंट्रेट होके देखना है और साथ के साथ हो सके तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रफली बना लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कई बच्चों के जो भी मैसेज आ रहे हैं कि सर नोट्स चाहिए, नोट्स भी मिलेंगे भैया, जरूर मिलेंगे, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, कंप्लीट करते मैं आपको पॉज कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो। जिस तरह से हम वन शॉट के अंदर सिलेबस को फिनिश कर रहे हैं, इसी तरह से क्वेश्चंस को भी फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहां से हमारी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स जहां से स्टार्ट हो जाती है, ये सोच लेना कि वहां से थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान काम हो जाता है, थोड़ा ज्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इजी सा रहता है, इतनी डेरिवेशन नहीं आती। जैसे कि अगर हम बात करें आगे के जो चैप्टर होंगे, या इसी चैप्टर में दो या तीन डेरिवेशन है, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें एक बड़े वाले डेरिवेशन है, बढ़िया वाली। ठीक है, और जो हमारा न्यूक्लियाई था उसमें भी काफी डेरिवेशन थी, बट अब वो कट चुकी है, बचता है लास्ट 14th सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें तो थ्योरी है सारी। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अभी क्वांटम थ्योरी से। ठीक है, और क्वांटम थ्योरी में जो सबसे पहले हम चीज पढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरी में हम जो सबसे पहले चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोटोन। क्या पढ़ेंगे भैया? फोटोन पढ़ेंगे हम। मैं एक बार चेक कर लूं कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको मैं अब थोड़ा सही है। चलिए तो देखिए, हम करेंगे क्या अभी, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और क्वांटम थ्योरी में जो चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है क्या? फोटो। क्या पढ़नी है? फोटो। देखिए, जो प्लैंक्स थे, देखिए हम इस चैप्टर में क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने इससे पहले जो करा था वेव ऑप्टिक्स, तो वहां पे हमें पता लग गया था कि जो लाइट है वो एज ए वेव काम करती है। ठीक है, और वो लाइट जो होती है, उससे पहले हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो भी एक लाइट है, जो किसका कॉम्बिनेशन है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो देखिए ये पता लग गया कि लाइट जो है वो एज ए वेव काम करती है। उसके बाद हमने क्या किया कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर एक गैस ली। ठीक है, उस गैस को फिर भाई दोनों साइड में एक इलेक्ट्रोड लगाए, ट्यूब में एक गैस ली किसी ग्लास ट्यूब के अंदर, उस ग्लास ट्यूब के साथ में इलेक्ट्रोड्स लगाए और उन इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जिससे क्या हुआ, वो गैस जो है भैया आयनाइज हुई। ठीक है, वो गैस में एक ग्लो हमें मिला, उस गैस में हमें एक ग्लो मिला। ठीक है, तो मतलब वहां पे भी आपको क्या मिला, एक रेडिएशन मिला। ठीक है, मतलब वो जो रेडिएशन मिली वो एक वेव थी। बाद में पता लगा कि जो वो वेव है, जो रेडिएशन आपको मिली, वो एक स्ट्रीम थी, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम थी। ठीक है, मतलब यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रेडिएशन एंड मैटर है वो आपस में जुड़े हुए, ये चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम थ्योरी से। क्वांटम थ्योरी किसने दी? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको हम लाइट भी बोलते हैं, कि लाइट की है क्योंकि लाइट ऐसे वेव काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद डिस्क्रीट
पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द ईएम वेव्स मतलब लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ, लिख सकते हो इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, इस पैकेट ऑफ एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, एंड दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। इसको क्या बोला जाता है भाई, फोटोन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको फोटोन बोला जाता है। समझिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी एंड दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। इसको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब हम फोटोन के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन से, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ठीक है, यहां से बात करते हैं और अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी मैं पूरा वन शॉट करवाता हूं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो आप वन शॉट करवा रहे हो वो नीट के लिए है या जेई के लिए है। भैया देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मेरे वन शॉट पढ़ लो वो काफी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों के मार्क्स और अच्छे लाने के लिए मैं आपको वन शॉट प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां से पढ़िए, आप अपने क्वेश्चन लगाए। ठीक है, मैं ये कभी नहीं बोलता कि सिर्फ मेरे ही वन शॉट देखिए या इन्हीं से सब कुछ होगा, इन्हीं से ही सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहां से एक बेस्ट वाली रिवीजन हो जाती है आपकी, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो भैया पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटोन की बात कर ली और अब प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या है, पहली जो फोटोन होते हैं, फोटोन्स ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करते हैं। ठीक है, हमने बोला कि जो फोटोन है वो ट्रेवल करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिमेन्स अनचेंज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स रिमेन अनचेंज इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी भैया, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं कि स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है। स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस, द स्पीड ऑफ फोटोन चेंज होती है। ठीक है, इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए स्पीड चेंज होती है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा है। अगर हम यहां से फ्रीक्वेंसी निकालें तो सी बाय लैम्डा होगा, क्या होगा, सी बाय लैम्डा। अब हमने बोला है फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। चलिए, फ्रीक्वेंसी अगर कॉन्स्टेंट है, ये चीज अगर कॉन्स्टेंट है तो यहां से सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेवलेंथ भी चेंज होगा, वेवलेंथ भी क्या होगा, चेंज होगा। क्या है ये, वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है भैया रेस्ट मास के बारे में। ठीक है, देखिए द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, इसका मतलब जब फोटोन रेस्ट पे होता है तो फोटोन होता ही नहीं, क्योंकि मूविंग अगर होगा तो फोटोन होगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है फोटोन इज न्यूट्रल, कि फोटोन कैसा है, न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसका मतलब सो फोटोन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। ठीक है, एनर्जी की अगर हम बात करें, फोटोन की एनर्जी जो होती है वो गिवन होती है किससे, E इज इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, जिसको एच बोलते हैं, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इज द फ्रीक्वेंसी। जो फोटोन है क्या भाई, एक तरह से ये रेडिएशन का फॉर्म है, एक तरह से ये वेव का फॉर्म है। ठीक है, चलिए, तो E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। एंड देखिए हमने बोला था C इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा, अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो C बाय लैम्डा, मतलब E की वैल्यू होगी एच सी बाय लैम्डा, E की वैल्यू इस नाम से भी है। ठीक है, सातवीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कि भाई जो इसका मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी मतलब जो स्पीड है इसकी, सॉरी जो स्पीड है वो किससे ट्रैवल करता है, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करता है, तो सी से हमने लिख दिया। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ई बाय सी से लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, चेक कर लो मैं एक बार। जी हाँ, आप इसको ई बाय सी से भी लिख सकते हो, आप इसको एच बाय लैम्डा से भी लिख सकते हो, ये सब चीजें। एच बाय लैम्डा कैसे होगा ये हम प्रॉपर डेरिवेशन के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, और E by C भी हो सकता है, H by फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, और एक और फॉर्मूले से आप बोल सकते हो H, देखिए E क्या है, E H भी है, सॉरी H फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, E को H फ्रीक्वेंसी अपॉन C, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज किसकी, फोटोन की। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं इसको, फटाफट जल्दी से लीजिए अभी स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको कर देते हैं रब प्रॉपर्टीज को। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज और है उन्हें भी कर लेते हैं। आगे प्रॉपर्टी है कि जो मूविंग मास होता है फोटोन का, जो मूविंग मास होता है उसे हम कैसे देखते हैं, एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, वन माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। ठीक है, ये क्या होता है, एम इज मूविंग मास, क्या है ये, मूविंग मास है। ठीक है, एम इज मूविंग मास है आपका, एम नॉट इज द रेस्ट मास, वी इज द स्पीड वेलोसिटी, जो भी आप बोलना चाहो, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये भी मूविंग मास की बात, कि एम नॉट अपॉन वन माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर है। अब एक चीज ध्यान से, नेक्स्ट देखिए, जो आपके फोटोन है, मतलब जो फोटोन की एनर्जी है, मतलब अगर हम बात करें कोलिजन, इन कोलिजन ऑफ फोटोन पार्टिकल, इन कोलिजन ऑफ फोटोन पार्टिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, कि जो आपकी एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, बट फोटोन मे नॉट बी कंजर्व, फोटोन मे नॉट बी कंजर्व। ठीक है, इतना चीज ठीक है भैया। आप यहां पे मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, इसको आप बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है,
इसको बाद में इन द एंड क्लियर करेंगे, इसको अभी रब करो, इसको बाद में देखते हो, ये एटी मान लो इसको, ठीक है। इन कोलिजन ऑफ फोटोन और पार्टिकल, अगर फोटोन पार्टिकल का कोलिजन होता है तो जो एनर्जी होती है वो रिमेन कंजर्व, ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहती है, बट फोटोन मे नॉट बी कंजर्व। ऐसा क्यों है? क्यों भाई, जब फोटोन का कोलिजन हुआ पार्टिकल के साथ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो फोटोन है वो सही रहेगा, वो टोटली एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है, वो टोटली एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 जो है फोटोन फेंके किसी चीज के ऊपर, मेटल के ऊपर हिट करवाए, तो आपके जो फोटोन है 5 में से 2 एब्जॉर्ब हो गए, तो जरूरी तो नहीं हुआ कि आपके फोटोन कंजर्व्ड रहे, ठीक है। तो यहां पे लिखा हमने मे नॉट बी कंजर्व्ड, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये थी 8th प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जो फोटोन का एनर्जी मास रिलेशन होता है, जो फोटोन का एनर्जी मास रिलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फोटोन का एनर्जी मास रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं, 9th नंबर पे चलते हैं। तो जो एनर्जी मास रिलेशन होता है भाई, वो इस तरह से गिवन होता है, एनर्जी मास रिलेशन ऑफ फोटोन, एनर्जी मास रिलेशन ऑफ फोटोन, इसको किस तरह से लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। अभी हमने पढ़ा कि E कितना होता है फोटोन का, H फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहां से यहां रख दीजिए, प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम अगर मास निकाल लें तो मास क्या बनेगा, H प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बाय सी स्क्वायर, दैट इज द मास रिलेशन किसके साथ, किसके साथ भैया, एनर्जी के साथ, एंड एनर्जी इज एच बी, एच फ्रीक्वेंसी, एच फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, एच फ्रीक्वेंसी बाय सी स्क्वायर, ठीक है, मतलब आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख रहे हो कि एच बी क्या होता है, ई होता है, तो यहां पे लिख सकते हो ई बाय सी स्क्वायर, वही घूम फिर के वही बात हो जाएगी जो यहां पे, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी फोटोन की, जल्दी से इन्हें नोट कर लो जो भी लिखवाई है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या आप बोल सकते हो इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी बोल सकते हो, ठीक है, इस चीज को। अब देखिए, अगर आप एक चीज समझ लेते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा एक कॉन्सेप्ट, तो आधा चैप्टर इसी पर रहता है सारा, क्योंकि इससे फिर हमारे एक्सपेरिमेंट आते हैं, ठीक है, कि फोटोन की इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है फोटो करंट पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ता है, वोल्टेज से क्या फर्क पड़ता है, ये सब चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो करते हैं, समझिए ध्यान से भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपको बोल रहा है ये क्या कि आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ना है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस, समझिए इसको। आपने क्या किया, एक मेटल का पीस लिया इस तरह से, इस पे आपने फोटोन डाला, फोटोन का सिंबल ऐसा होता है भैया, ठीक है, फोटोन का सिंबल ऐसा होता है, तो आपने इसके ऊपर फोटोन डाला, जैसे ही आपने यहाँ पे फोटोन डाला तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर से ये फोटोन डाला और इस टाइम इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी का थे, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये क्या है, एक मेटल सरफेस है, क्या है, ये एक मेटल है और ये इसका सरफेस है, ठीक है, एक मेटल पीस है, ये है फोटोन, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं उसे, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस है बस सिंपल, ठीक है। तो क्या है भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, देखिए द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, सुनिए ध्यान से, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस when
लाइट, लाइट कौन है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन आप बोल सकते हो। व्हेन लाइट, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, व्हेन ए लाइट ऑफ सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी, सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट। सुनिएगा, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन ए लाइट, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है जो क्या करता है, एमिशन करता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कब करता है, जब उस पर हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती है। किस चीज की हाई फ्रीक्वेंसी? लाइट की। कि जब एक हाई फ्रीक्वेंसी लाइट जो सफिशियंट है हाई, ठीक है, उसको जब इंसिडेंट करते हैं किस पे, ऑन इट मतलब मेटल सरफेस पे, तो वहां पे क्या निकलता है, क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। कि जो इलेक्ट्रॉन निकला उसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और इस फोटो इलेक्ट्रॉन का फर्दर यूज किया जा सकता है, इस फोटो इलेक्ट्रॉन का फर्दर यूज किया जा सकता है, जैसे कि करंट बनवाया जा सकता है इससे, तो वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दूसरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए वन टू वन प्रोसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीई से लिख रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए वन टू वन प्रोसेस। ये मैं बोल रहा हूं कि भाई ये एक वन टू वन प्रोसेस है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए वन टू वन प्रोसेस, इसका क्या मीनिंग है, मीन्स वन फोटोन, मतलब एक फोटोन इंसिडेंट हुआ, वो क्या करेगा, एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या निकालेगा, एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम चार फेंक रहे हैं तो चार, पांच फेंक रहे हैं तो पांच, बट कंडीशन रहेगी कि इसकी जो लाइट होती है, हम मोस्टली हम यूज करते हैं यूवी रेस, मोस्टली हम यूज करते हैं यूवी रेस, और इसकी जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे तो उसमें हम बारीकी से समझेंगे कि किस तरह से लाइट फॉल होती है, किस तरह से क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, क्या स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो सब। तो अभी के लिए समझिए, इट इज अ वन टू वन प्रोसेस, मीन्स वन फोटोन इज इक्वल टू वन फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये सिंपल से प्रोसेस में लिखा हुआ है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर करते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वर्क फंक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्या करेंगे भैया, इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन को मैं समझा दूं भाई, इन शॉर्ट अभी मैं समझा देता हूं, बाद में हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। ठीक है, देखिए इस मेटल पीस में हमने क्या किया, ये फोटोन डाला, बट यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। लेकिन जब हमने हाई फ्रीक्वेंसी का डाला तो क्या हुआ, जैसे ही यहां पे ये गया, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े थे वो, उनको एनर्जी मिली, अब्सॉर्ब हुई एनर्जी, फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, एनर्जी मिलने से वो एक्साइट हुए, बाहर आ गए। ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन है क्या, वर्क फंक्शन वो एनर्जी है, मतलब उतनी एनर्जी चाहिए जिससे आपका एमिशन स्टार्ट हो जाता है। वर्क फंक्शन इज दैट एनर्जी ऑन विच एमिशन स्टार्ट, कि उससे ज्यादा ही हमारी एनर्जी होनी चाहिए तब जाके हमारा एमिशन स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब कि जो अगर हम बोले वर्क फंक्शन है एच फ्रीक्वेंसी नॉट, तो मतलब हमें अगर एमिशन चाहिए तो हमारी जो एनर्जी होनी चाहिए वो इससे, इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वर्क फंक्शन की बातें बाद में कर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी के लिए सिर्फ मैंने थोड़ा समझा दिया आपको। चलिए तो अभी करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। डायग्राम मैं बना दूंगा, उसी डायग्राम से सारे एक्सपेरिमेंट हम करते जाएंगे। ठीक है, देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है हमें,
एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, तो हम यहां पे एक एवोकेटेड ट्यूब लेंगे। ठीक है, चलिए मैं डायग्राम बना देता हूं। यहां पे हम एक ट्यूब ले रहे हैं इस तरह से। ठीक है, यहां पे हम एक विंडो बना रहे हैं जहां से हम इंसिडेंट लाइट फॉल कराएंगे, और ये जो विंडो होगी, ये जो विंडो होगी वो होगी क्वार्ट्ज विंडो। कैसी विंडो होगी ये? क्वार्ट्ज विंडो बोलेंगे, क्वार्ट्ज ग्लास होगा ये। ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास विंडो। अब सर ऐसा क्यों है कि क्वार्ट्ज ग्लास विंडो ही क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि भाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कोई और रे एंटर ना करे, हमने यूवी रेस से ज्यादा ट्राई किया था, एक्सपेरिमेंट जो हुए थे वो यूवी रेस से हुए थे, तो इसलिए क्वार्ट्ज ग्लास विंडो यूज करेंगे जो सिर्फ यूवी रेस को ही पास करवाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमने एक इलेक्ट्रोड लिया, यहां पे क्या एक इलेक्ट्रोड है इस तरह से, यहां पे हमने एक इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं एमीटर। ये क्या है? एमीटर है, एमीटर, जिसको हम कैथोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैथोड। ये है कलेक्टर, क्या है ये? कलेक्टर, कलेक्ट करेगा ये। इसको एनोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनोड भी बोल सकते हैं। अब यहां पे हुआ क्या कि भाई इसको हम सप्लाई देंगे, इसको हम सप्लाई देंगे किसके थ्रू? एक रेजिस्टेंस के थ्रू, इस तरह से। मैं इसको अच्छे से बना दूं भाई, कोई कमी अगर रहेगी तो फिर तुम बाद में चेंज कर लेना। ठीक है, एक बार डायग्राम जी। ठीक है, यहां से ये पॉजिटिव, नेगेटिव, स्टिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। और ये हाई फ्रीक्वेंसी टेंशन, हाई टेंशन की है ये बैटरी। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है? इसको हमने नेगेटिव पे मेंटेन करना है। तो इसको थोड़ा सा रिवर्स लगाते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको ऐसे करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। पहले मुझे बनाने दीजिए, फिर मैं चेक करके आपको फिर बताता हूं कि ये सही है या नहीं। जी, इतना अभी तक ठीक है हमारा। यहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ? इस पॉइंट के साथ, यहां पे, मतलब ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये वायर लेके आए, इसको कनेक्ट किया किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। मतलब हमने जो कलेक्टर है उसको पॉजिटिव पे मेंटेन किया है, और जो एमीटर है उसको नेगेटिव पे मेंटेन किया है। और जो चीजें हैं वो भी मैं लगा देता हूं, जैसे कि हम वोल्टमीटर यूज करते हैं तो उसको हम पैरेलल में लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, एमीटर लगा सकते हैं हम, और ये एमीटर जो होगा वो माइक्रो एमीटर होगा। कैसा होगा? माइक्रो, आई थिंक, हाँ माइक्रो एमीटर। इतनी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है अभी। ठीक है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, और ये कैथोड है, मीटर बोला जाता है, ये ट्यूब है, यहाँ पे सोर्स है, ये हमारा है सोर्स, जिससे आ रही है हमारे पास क्या? फोटॉन्स, मतलब यूवी रेज आ रही है। क्या आ रही है? यूवी रेज। डायग्राम को ध्यान से समझिए, वर्किंग पूरी अच्छे से समझ में आएगी आपको। यूवी रेज आई, ये यूवी रेज फॉल करती है यहां पे, इसी तरह से कोई दूसरी यूवी रेज फॉल कर रही होगी यहां पे। तो ये यूवी रेज कौन है? फोटोन। तो देखिए, ये एक मेटल पीस पे पड़ रहे हैं, और मेटल पीस में से क्या होगा? एमिशन शुरू हो जाएगा। तो यहां से निकल पड़ा कौन? एक फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन निकल पड़ा यहां से? एक फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। ये जो कैथोड लिया, सॉरी यहां पे जो इलेक्ट्रोड लिया उस पे चार्ज कौन सा है? किस पे मेंटेन है? ये पॉजिटिव पर। तो ये मूव करना शुरू कर देंगे उस साइड। तो मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड इस तरह से चलने शुरू हो जाएंगे। अब यहां पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हुए हैं, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हमने बोले थे क्या थे? ये फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या थे ये? फोटो इलेक्ट्रॉन थे, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन फोटो इलेक्ट्रॉन के चलने से बन गया कौन भाई? करंट। और कौन सा करंट बना? फोटो करंट। कौन सा करंट बना? फोटो करंट, डिनोटेड बाय आईपी, डिनोटेड बाय आईपी। ठीक है, समझिए ध्यान से क्या था कि हमने यहाँ पे एक ट्यूब ली, उस ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रोड लगाया, इसको नेगेटिव पे मेंटेन किया, इसको पॉजिटिव पे मेंटेन किया। यहाँ पे एक वोल्टेज शो हो रही है कि कितनी वोल्टेज यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं, मेजर कर सकते हैं कि कितनी यहाँ पे
ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये करंट, जो करंट बनेगा वो एक बहुत छोटा करंट होगा, तो इसलिए माइक्रो में लगाया हुआ है, 10-6, ठीक है, -6, 10-6 एम्पियर होता है ये, तो माइक्रो एम्पियर मतलब बहुत छोटा करंट यहाँ पे बनेगा, तो उसको नोट करेंगे। प्रोसेस क्या है, वर्किंग समझिए इसकी, ध्यान से समझिए वर्किंग, वर्किंग समझिए। देखिए वर्किंग वही जो प्रोसेस समझा था भाई, कि यहां पे क्या हुआ, यूवी रेज आई, ध्यान से समझिए, यूवी रेज आई, यूवी रेज गई कहां पे, कैथोड पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, एमीटर मतलब जो एमिट करेगा। तो यहां से निकल पड़े कौन, इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो स्लो होगी, ये स्लो इन स्पीड, स्लो इन स्पीड, ठीक है, मतलब निकल के बाहर निकल रहे हैं, बस यहीं पे पड़े रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। बट यहां पे हमने एक बैटरी लगाई है, ये क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये बैटरी, ये पॉजिटिव कनेक्ट है इससे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये उधर जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करंट, कौन सा करंट, फोटो करंट, ठीक है। वर्किंग इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दी, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। अब इस पे हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक बार आप फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं, इसके सारे प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। पहला जो है वो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, इसको नोट कर लो एक बार डायग्राम को, फिर हम करते हैं पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए तो पहला एक्सपेरिमेंट हमें दिया हुआ है, देखिए पहला एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, पहला एक्सपेरिमेंट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन, किस पे बोल रहा है ये, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन, सॉरी ऑफ लाइट, लाइट कौन है, फोटोन है, ऑन फोटो करंट डिनोटेड बाय आईपी, लिखा हुआ मैंने भी फोटो करंट, ठीक है। चलिए तो ये चीज ये आपसे पूछ रहा है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट क्या फर्क पड़ेगा, इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए यहां पे हमने ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस लिया, यहां पे रखा हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, किसको रखा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, ठीक है, और यहां पे है फोटो करंट, क्या है ये, फोटो करंट, फोटो करंट इज डिनोटेड बाय आईपी, आईपी से जा रहा है, ठीक है। अभी हमने बोला था कि जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक 1-to-1 प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है ये, एक 1-to-1 प्रोसेस है भैया, 1-to-1, इसका मतलब 1 photon 1 photoelectron, photoelectron means emitted electron, ठीक है, 1 photon is equal to 1 photoelectron, ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि 1 photon अगर हम फॉल कराते हैं सफिशियंट फ्रीक्वेंसी का, तो 1 electron वहां से निकलता है और वो 1 electron होता है 1 photoelectron, ठीक है। चलिए इतनी चीज क्लियर है। अब इन्होंने बोला इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर, संख्या है ये, अगर मैं लाइट के नंबर बढ़ा दूं, अगर मैं लाइट के नंबर बढ़ा दूं, ठीक है, तो नंबर बढ़ाने का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीजिंग इंसिडेंट फोटोन, कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उनको मैं इंक्रीज कर रहा हूं, यही तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब जितने मैं फोटो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवा रहा हूं उतने ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और उतने इलेक्ट्रॉन निकलने से करंट ज्यादा बनेगा। समझो मान लीजिए आपने एक फोटो इलेक्ट्रॉन फेंका तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 फेंके तो 2 निकल गए, 3 फेंके तो 3 निकल गए, 5 फेंके तो 5, 10 तो 10, ठीक है। पहली बार में करंट कम बनेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरी बार में करंट थोड़ा ज्यादा, तीसरी बार में और थोड़ा ज्यादा, 10वीं बार में बहुत ज्यादा, क्यों, वहां पे 10 फोटोन फेंके, 10 फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, वो 10 चल पड़े, तो वो ज्यादा करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए, यहां से मैं पता लग गया
कि जो इंटेंसिटी है लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोटो करंट के। तो मींस ग्राफ आपका ऐसे आएगा, ठीक है। क्या पता लगा कि इंटेंसिटी, यहां पे शायद दिखेगा नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आईपी के। आईपी मींस फोटो इलेक्ट्रिक फोटो करंट के, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला एक्सपेरिमेंट, इसकी हमने वर्किंग समझ ली। अब इसके एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूर एनसीईआरटी, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, दूसरा करते हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, सॉरी इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये बोल रहा है आपको क्या, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल कौन है ये बोला, पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, फोटो करंट। देखिए इसको मैं आपको तीन लेवल में समझाता हूं, तीन लेवल में समझाते हैं फिर क्या होगा। अगर मैं इसको आपको तीन लेवल में समझाऊं तो देखना कि कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलिए तो ग्राफ वही कि भाई ये रहा आपके पास, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, यहां पे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके हम कुछ केस ऐसे करते हैं, मान लीजिए यहां पे है पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहां पे हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल, क्या है नेगेटिव पोटेंशियल। अब हम चेक करेंगे कि फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में भी है कि जाएगा या नहीं जाएगा वो चेक कर लेंगे हम, ठीक है, नेगेटिव। चलिए पहला केस लेते हैं कि मान लीजिए आपकी पोटेंशियल जीरो पे है, आपकी पोटेंशियल कहां है, जीरो पे। मान लीजिए आप फोटोन फेंक रहे हो, उस टाइम बैटरी जीरो पर है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, फोटोन फेंकने से एमिशन तो होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, एमिशन होने से किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। वो इलेक्ट्रॉन अब निकल गए हैं, निकल गए हैं तो अब उन्हें पता ही नहीं है कहां पे जाना है, तो वो कैसे हैं, रैंडम मोशन में, तो रैंडम मोशन की वजह से भी तो करंट बनेगा, समझिए। जब वी जीरो होगा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडम मोशन में होंगे, कैसे होंगे, रैंडम मोशन में, ठीक है। रैंडम मोशन से कुछ ना कुछ करंट कंस्टिट्यूट होगा, तो मतलब V इज इक्वल टू जीरो पर, V इज इक्वल टू जीरो पर आपका कुछ ना कुछ करंट पहले से ही होगा। मैं एक बार ऑर्डर लिख देता हूं, ऑर्डर शायद माइक्रो एम्पियर में ही होते हैं ये, ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रहा हूं ताकि डायग्राम अच्छे से दिखे ग्राफ, ठीक है। ये पहला केस V इज इक्वल टू जीरो। चलिए अगर मैं यहां पे V पॉजिटिव पर ही रखू, मतलब जैसा अब लगा होगा कनेक्शन, कि आपका जो कलेक्टर है वो पॉजिटिव पे मेंटेन रहे, तो क्या होगा, तो आपके पॉजिटिव की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे कौन, इलेक्ट्रॉन। जितनी आप पॉजिटिव बढ़ाओगे, जितनी आप पॉजिटिव बढ़ाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाएंगे, जो एमिटेड हो गए हैं आफ्टर एमिशन, जितने आप पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपका जो है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका करंट बनना शुरू हो जाएगा, ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा करंट आया, ऐसे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितने भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन थे वो सारे वहां पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है, मतलब फिर आपका करंट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ऐसे सैचुरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा भाई, सैचुरेट, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, सैचुरेट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा रिवर्स करें, नेगेटिव लगा दें, नेगेटिव मतलब इनको चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, किसको नेगेटिव हो इधर, पॉजिटिव हो इधर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन तो होगा, ठीक है। अब एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अब हमने नेगेटिव लगा दिया यहां पे क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया बैटरी के टर्मिनल, तो अगर यहां पे नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे ही नहीं, और जितना आप नेगेटिव बढ़ाते जाओगे, जितना आप नेगेटिव बढ़ाते जाओगे, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा एक भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा पाएगा, वहां नहीं जा पाएगा जैसे जैसे आप नेगेटिव की वैल्यू बढ़ाओगे। देखिए मान लीजिए आपने नेगेटिव की थोड़ी वैल्यू बढ़ाई तो आपका करंट वहां पे, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ाई
कम इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचे, ठीक है, किसी में एनर्जी ज्यादा थी वो पहुंच गया तो थोड़ा सा करंट बना और वो करंट कम बना, ठीक है, डिक्रीज हो गया पहले से। फिर उसके बाद और आपने पोटेंशियल को नेगेटिव किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंचेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगा। तो मतलब आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका फोटो करंट जीरो हो जाएगा, जब आपका फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जिस पोटेंशियल पे आपका फोटो करंट जीरो होता है उसे बोलते हैं वी नॉट, एंड इट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप बोल सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल एट विच द पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो, एट विच आईपी इज इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई थिंक इससे अच्छा आपको कहीं नहीं समझ में आएगा, ये 101% गारंटी है भैया, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, इसको नोट करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अपना थर्ड एक्सपेरिमेंट फटाफट। चलिए अभी तक हमने समझ लिया कि ये एक कोई इंटेंसिटी आ रही थी, कितनी इंटेंसिटी, मतलब जब फोटोन की एक फिक्स्ड इंटेंसिटी हमने की थी, अगर हम फोटोन की डिफरेंट इंटेंसिटी कर दें फिर क्या होगा, मान लीजिए ये पहली इंटेंसिटी थी जो कि आई वन है, कोई दूसरी इंटेंसिटी करेंगे, ठीक है, कोई दूसरी इंटेंसिटी करेंगे फिर वो करंट ऐसे यहां फिर से यहां पे, ठीक है, ऐसे चलने वाला आपके पास, तो अलग अलग इंटेंसिटी हो गई, ठीक है, ऐसे, हाँ जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम रहने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहने वाला है, क्लियर है। तीसरा इफेक्ट पढ़ते हैं, तीसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या करता है, ये तो केस था कि डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी हो तो क्या चीज फर्क पड़ रहा है, देख नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, सॉरी अब आएगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट, वही चीज है, मैं चेक कर लू, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो ये रहा ग्राफ, बनाते हैं इसको भी समझते हैं, और ग्राफ के थ्रू ही हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हम लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो बोल रहा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हम यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लेते हैं, आई थिंक यस, यहां पे पोटेंशियल है हमारा और यहां पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये नेगेटिव का, यहां नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। चलिए अभी हमने एक चीज की, कि भाई जब भी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब जब पोटेंशियल जीरो होगा तो कुछ ना कुछ आपके पास करंट होगा पहले से, ठीक है। एक मिनट भी, यहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा, यहां पे पोटेंशियल और आईपी का ही ग्राफ आएगा, वो मैं आपको समझाता हूं क्यों आएगा, क्योंकि इस चीज को हम पढ़ेंगे, आईपी ग्राफ को और पोटेंशियल को पढ़ेंगे तभी हमें फ्रीक्वेंसी का पता लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझिए ध्यान से सुनिए। हमने अभी पढ़ा क्या कि जब भी पोटेंशियल जीरो होता है तो कुछ ना कुछ करंट होता है, उसके बाद जब पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो आपका करंट ऐसे चलता है और उसके बाद एक बार टाइम बाकी स्थिर हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, और एक टाइम पे ये ऐसे जीरो हो जाता है फोटो करंट, तो उस टाइम आपका पोटेंशियल होगा क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ये वी नॉट जो होगा वो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसको मैं ना थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं, ये कोई एक फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया आपने कि यहां पर फ्रीक्वेंसी थी इसकी फ्रीक्वेंसी वन, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का मतलब समझ लो पहले, इंटेंसिटी का मतलब है कि कितने नंबर हैं, कितनी संख्या है उनकी, ठीक है, टोटल नंबर कितने फेंक रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक बंदा एक सेकंड में 10
एक सेकंड में 10 फोटोन फॉल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक सेकंड में 10 फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या एक सेकंड में 20 फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या एक सेकंड में 30 फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये चीज समझो। मतलब एक चीज के रिपीट होने की चीज है, रिपीटिंग प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, एंड नंबर्स को बोला जाता है इंटेंसिटी। क्लियर है? चलिए अब देखिए अब कैसे करते हैं बड़े आसान तरीके से। मान लीजिए अभी के लिए भैया ये पड़ोस में थोड़ा शादी है, तो इसको अभी रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी नोट कर लो इसको फटाफट। चलिए देखिए यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ लिया था क्या कि जब जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो फोटो करंट है वो पहले बढ़ेगा और उसके बाद वो सैचुरेट हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन पे आके, इतने पोर्शन पे आके आपके सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड आ चुके हैं, एक साइड मतलब कलेक्टर एनोड की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगर हम यहां पे ये मान ले कि यहां पे एक सेकंड में, देखिए समझिए इस चीज को ध्यान से समझना है, ये जो थर्ड एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, मैंने पहले ही समझा दिया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि एक बार में कितनी चीजें रिपीट हो रही हैं, कितने टाइम्स वो आ रहे हैं। मान लीजिए पहला ये जो केस है अभी के लिए टोटल फोटोन है 10, टोटल फोटोन है 10, एक सेकंड में 2 फोटोन जा रहे थे तो हमें इस तरह का ग्राफ मिला, ठीक है। अगर अब एक सेकंड में 5 फोटोन जाए, फोटोन टोटल 10 ही है, फोटोन टोटल 10 ही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको ऐसे समझिए। देखिए ये क्या है, एक एनोड है, इसके पास जाना, ठीक है। अगर इसके पास मान लीजिए कोई एक बंदा है, इसको मारने के लिए अभी 2 बंदे आ रहे थे, तो इसने क्या किया, अपनी थोड़ी सी ताकत लगाई और इनको 2 को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, एक सेकंड में अब एकदम से 5 बंदे आ रहे हैं, अब मतलब उसको मारने के लिए अब ये 5 बंदे जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, और अपनी पोटेंशियल बढ़ाएगा, उसे और नेगेटिव होना पड़ेगा, तो वो और नेगेटिव होता है, मतलब और नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अपनी नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा है वो, तो नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ेगी तो मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा ऐसे, ये जब आपने फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी, 5 कर दी, अब एक सेकंड में ही 10 आ रहे हो लगातार, मतलब अब फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में 10 आने की है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी और ताकत लगानी पड़ेगी, अपने और ताकत मतलब और नेगेटिव होना पड़ेगा, इसकी नेगेटिव सोच होनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मतलब आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो और आपका शिफ्ट होगा इस तरह से, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ये आप बुक से थोड़ा अच्छा से बना लेना इस तरह से, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसी थर्ड, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी वैसे वैसे ही आपका पोटेंशियल भी जो है वो शिफ्ट होता गया, वैसे ही आपका पोटेंशियल भी जो है भैया वो शिफ्ट हो गया, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। समझिए कि एक मान लीजिए मैं एक बंदा हूं और मेरे साथ कोई बंदा लड़ाई करने आ रहा है, एक बार वो मेरे साथ 2 आ गए, तो मैं उनको 2 को मार के भगा रहा हूं, डिशुम डिशुम कर रहा हूं, ठीक है, वो भगा दिए भाई, तो मैंने कुछ एक पोटेंशियल लगाई, जो वो भगाने का काम है वो पोटेंशियल कौन सी होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब वो क्या कर रहे हैं, वो अब एक साथ 4 बंदे आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, पहले 2 आ रहे थे अब 5 आ रहे हैं, तो 5 आने के लिए मैं अकेला उन्हें नहीं संभाल सकता, मुझे और पोटेंशियल चाहिए होगी, तो मैं और नेगेटिव पोटेंशियल लगाता हूं, तो और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब मुझे एक ऐसी और नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए जो उनको रोक सके, तो एक और पोटेंशियल मिली मुझे, ये 1 थी, यहां पे 2 हो गई, यहां पे 3 हो गई, ऐसे ऐसे समझो इस चीज को, ठीक है। तो यहां पे आपको ग्राफ मिल रहा है इस तरह से, तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होने पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, बट करंट अभी भी वही है, करंट अभी भी वही क्यों है, क्यों है ऐसा करंट, क्योंकि भाई मैंने पहले बोला नंबर्स तो वही है उनके, टोटल नंबर तो वही है ना, एक सेकंड में रिपीट होने की जो चीज है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं वो चेंज हो रही है बस, ठीक है। चलिए तो ये था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए
वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई वैसे वैसे ही आपका पोटेंशियल बढ़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल के, ठीक है, ये चीज याद रखना बस, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फोर्थ एक्सपेरिमेंट, और इस फोर्थ एक्सपेरिमेंट में करेंगे इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये चीज हम पढ़ने वाले, इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड, या किस पे पढ़ रहा है, ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए, अभी इसमें क्या चीज समझनी है आपको, मतलब इसमें आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ में आपको बताना है कि भैया किस तरह से ये दोनों फैक्टर चेंज होते हैं। देखिए, इससे पहले वाले ग्राफ में हमने एक चीज समझ ली कि जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई वैसे वैसे ही आपका पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहां पे रख रहे हैं फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की, और यहां पे रख रहे हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, किसको रख रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक चीज देखिए, यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होगा आपके पास, देखिए जब आप किसी मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट फॉल कराते हैं, फोटोन इंसिडेंट कराते हैं, तो जरूरी नहीं वहां से एकदम से ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वो निकलेगा जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही जो है भैया वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब जरूरी नहीं है आपका जो ग्राफ हो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो, एक मेटल हमने ली जिसके लिए यहां से फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी पे जाके, जिसको हम फ्रीक्वेंसी नोट बोलते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी नोट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी ऑन विच द इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्टेड, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। बाकी ये चीज याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पोटेंशियल भी बढ़ रहा था, नेगेटिव हो रहा था, तो मतलब ग्राफ इस तरह से होगा, कोई भी एक मेटल है मेटल ए, इसी तरह से कोई और मेटल है उसके लिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है, तब जाके वहां से एमिशन होता है, तो उसके लिए ग्राफ ऐसे, तो ये मेटल बी, तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था, ये चीज आपने समझी। तो चार एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, फिर हमने पोटेंशियल का पढ़ लिया कि अगर नेगेटिव है जीरो है तो पॉजिटिव है क्या फर्क पड़ता है, फिर हमने फ्रीक्वेंसी का पढ़ लिया और स्टॉपिंग पोटेंशियल का पढ़ा था, आई थिंक जी देखते हो, सॉरी फोटो करंट और पोटेंशियल का पढ़ा था, बट उसमें हम इफेक्ट पढ़ रहे थे फ्रीक्वेंसी का किसके ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर, और ये हमने फिर से पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। चलिए तो ये थे आपके चार टॉपिक। अभी देखिए हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब आपको ड्यूल नेचर पढ़ना है किसका, रेडिएशन का, रेडिएशन इज लाइट, ये क्या है, लाइट है, तो लाइट का भी दो पोर्शन हमें पढ़ने हैं, कि ये लाइट जो है वेव की तरह काम करती है, वो हमने पढ़ लिया, क्या वो डायफ्रेक्शन पढ़ लिया हमने, इंटरफेरेंस पढ़ लिया, पोलराइजेशन, ये सब वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमने पढ़ लिया, तो मतलब पता लग गया कि लाइट जो है वेव पार्टिकल से बनी है, फिर कि लाइट जो है वो एज ए पार्टिकल नेचर भी है, मतलब एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है, वो कैसे पता लगा, वो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगा, जिसके अंदर हमने क्या लिया, फोटोन, एंड फोटोन क्या होते हैं, पैकेट होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, मतलब जो आपकी वेव्स हैं, जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट से बने, और वो पैकेट्स बोले जाते हैं पार्टिकल, तो उन पार्टिकल से फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट आपके पार्टिकल बन रहे, और पार्टिकल नेचर फिर से यहाँ पे क्या करेगा, फॉलो होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे करंट बनेगा, ट्यूब ग्लो होगी, ठीक है। तो यहां पे हमने पढ़ लिया ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं भैया अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है
हॉल वॉच एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इन्हें पढ़ते हैं एक बार, जल्दी से फटाफट नोट कर लो इसे। चलिए आगे करते हैं हम। हर्ट्ज एंड हॉल वॉच लिनार्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने किया है उसके बारे में क्या क्या चीजें बताई थी वो पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और साथ में पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये पूरा थ्योरी पोर्शन है, हर एक लाइन को मैं समझा दूंगा। लॉज तो जो है हमने जो है मोस्टली पढ़ लिए हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं वो इस लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो हर्ट्ज एंड हॉल वॉच लिनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या थे? देखिए, ये हर्ट्ज एक साइंटिस्ट और हॉल वॉच लिनार्ड ये दो साइंटिस्ट अलग से, ठीक है। सबसे पहले जो हर्ट्ज थे उन्होंने बताया था किसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व बाय हर्ट्ज व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था किसने? हर्ट्ज ने, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, ही ऑब्जर्व दैट ए स्पार्क कैन पास थ्रू द मेटल सरफेस। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेटल का सरफेस है उस पे उसमें से एक स्पार्क को जो है इजिली पास कर सकते हैं। कैन पास थ्रू मेटल सरफेस इजिली बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जब वो इलेक्ट्रोड लगा रखे हो, मतलब एक ये बोला जा सकता है आप कि मेटल पीस है, एक मेटल पीस ये है और उनके बीच में आप स्पार्क पास करवा सकते हो, ठीक है। बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन कैथोड इज इल्यूमिनेटेड बाय यूवी रेडिएशन, कि जब कैथोड को हम यूवी रेडिएशन फेंकेंगे और वो यूवी रेडिएशन में ही कौन है? फोटोन है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले बताया था किसने? हर्ट्ज, ठीक है। अब बात करते हैं हॉल वॉच एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया दैट देयर इज ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कि यहां पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। इन्होंने बताया, देखो हर्ट्ज ने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, कि जब भी कैथोड पे हम यूवी रेज इल्यूमिनेट कराते हैं तो वहां से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाता है, मतलब एक स्पार्क बन जाती है, वो स्पार्क किस चीज की होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। फिर उन्होंने ये बताया, हॉल वॉच एंड लिनार्ड ने ये बताया कि यहां पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी बिलो विच नो एमिशन किसका? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था हॉल वॉच एंड लिनार्ड ने, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये क्या चीज थी, बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी में सारा वन शॉट आपको करवा रहा हूं इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बता रहे हैं लॉज? हमने जो जो चीजें पढ़ रहे हैं भाई, पहला हमने क्या पढ़ा था? फॉर ए गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, सॉरी ऐसे भी बोल सकते हो, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड लिख सकते हो, ठीक है। हमने ये चीज तो पढ़ी थी कि भाई जितने इंटेंसिटी की लाइट फॉल होगी, ठीक है, उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएंगे। पहले एक्सपेरिमेंट यही तो पढ़ा था, तो पहला खत्म हो गया, ये लॉ की तरह गया, पे नियम आ गया। एक दूसरा पढ़ते हैं, फॉर ए गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो यहां पे पढ़ा कि हर एक मेटल के लिए एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी बिलो विच वहां से कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कोई भी एमिशन स्टार्ट नहीं होता उसके मेटल सरफेस से, मतलब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस पे एमिशन स्टार्ट है, जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे एमिशन स्टार्ट है नहीं होता। डिनोट करते हैं इसको म्यू नोट, फ्रीक्वेंसी नोट से, ऐसे फ्रीक्वेंसी ये नोट, ठीक है, ऐसे बोल दो। अब दूसरी बात, अबव फ्रीक्वेंसी नोट मतलब एमिशन हो गया, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आप फॉल कर रहे हो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंसिडेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट बोला है उन्होंने, ठीक है। बट किस पे डिपेंड कर रही होगी? फ्रीक्वेंसी पे या फिर वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। चौथा इन्होंने क्या लो बोला है? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इज एन इंस्टाटेनियस प्रोसेस। ये भी हमने चीज पढ़ी थी, हमने बोला था कि ये 1-to-1 प्रोसेस होता है, जैसे ही यहाँ पे एक फोटोन डलता है वहां से एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब इंस्टाटेनियस प्रोसेस का मतलब यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं होता, किस किस के बीच में? इंसिडेंट रे फॉल हुई
और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई टाइम लैग नहीं होता, बहुत कम होता है। और ये टाइम कितना होता है, लेस देन 10-9 सेकेंड लगते हैं और वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब ये लगा लो 1 सेकेंड बहुत छोटा होता है हमारे लिए, ऐसे करते 1 सेकेंड हो जाता है। अब उसका 10-9 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड का मतलब 1/10 9 कर रहे हो आप, एक को डिवाइड कर रहे हो किससे, इतनी वैल्यू से। तो ये तो बहुत कम टाइम में, मतलब कहने का मतलब यहां पे कोई भी टाइम लैग नहीं होता, फटाफट से फोटोन डलता है और फटाफट से वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये थी वॉल वॉच, हर्ट्ज वॉल वॉच, लिनार्ड ऑब्जर्वेशन, ये थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ते हैं। और हाँ, आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ेंगे, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अब करते हैं हम आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्क फंक्शन और एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं हम आइंस्टाइन इक्वेशन और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपना एक बहुत बढ़िया टॉपिक जिसमें हम ड्यूल नेचर पढ़ेंगे किसका, पार्टिकल का, ठीक है, जिसमें हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ते हैं, ये सब चीजें वो सब पढ़ेंगे। अब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे भाई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है भैया मैं आपको करवा रहा हूँ सारा काम, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा वो है आइंस्टाइन इक्वेशन, या फिर अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ क्या, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, इस तरह से भी बोल सकते हो, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन या फिर आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी बोल सकते हो, ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या बात बोली भाई, ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या बात बोली, आइंस्टाइन ने बोला कि भाई किसी भी मेटल सरफेस से आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो मिनिमम एनर्जी उस एक वर्क डन होता है और उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। देखिए हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले वर्क फंक्शन क्या होता है, तो इसको पढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द मिनिमम एनर्जी किसकी, ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहां से होता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ऑफ द मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन, कि आपको एक एनर्जी चाहिए एमिशन करवाने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन, क्योंकि एनर्जी वर्क के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा डेरिवेशन में लिखते हैं, वर्क फंक्शन जो होता है उसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय फाई, इस तरह से, या तो फाई से या किसी बुक में डब्ल्यू से भी मिलेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो तो नाम है भैया, ठीक है, वो तो एक नेमिंग है, नोटेशन है, कुछ भी कर सकते हैं बुक में, ठीक है। तो मतलब जो वर्क फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन
फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, फाई से, और ये होगा क्या, वर्क फंक्शन मतलब वर्क, एक मिनिमम एनर्जी है, क्या है मिनिमम एनर्जी, तो एनर्जी कैसे लिख सकते हैं फोटोन की एच फ्रीक्वेंसी, बट एक ऐसी एनर्जी चाहिए जिसपे मिशन होता है, तो हम यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी नोट भी लिखते हैं। क्यों नोट क्यों लिखते हैं, क्योंकि इससे ऊपर ही तो हमारा मिशन स्टार्ट होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही तो मिशन स्टार्ट होता है, तो वर्क फंक्शन की इक्वेशन हुई एच फ्रीक्वेंसी नोट। ठीक है, अगर मान लीजिए जो इंसिडेंट लाइट डल रही है मतलब जो फोटोन जा रहे हैं उनके पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, देखिए डेरिवेशन से समझते हैं इसको। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है तो क्या होगा, देखिए टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन के इक्वल होगी, ठीक है, प्लस जितनी एनर्जी यूज हो गई है वर्क फंक्शन में वो तो ये रही, प्लस बाकी जो एनर्जी बच जाती है वो हो जाती है इसकी काइनेटिक एनर्जी मोशन में, मतलब उनके जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां से उनके मोशन में। ठीक है, मान लीजिए टोटल एनर्जी है ई, तो आपके पास हुआ ई, वर्क फंक्शन इज फाई एंड काइनेटिक एनर्जी इज के, ऐसे लिख देते हैं के से, काइनेटिक एनर्जी है ये, क्या है काइनेटिक एनर्जी, इतना ऐसे चलता है। ठीक है, तो भी अगर हम यहां से के निकालें तो हमारे पास क्या बनेगा, ई माइनस फाई, तो के इज इक्वल टू ई, इज द एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज एच फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन इज दिस एच फ्रीक्वेंसी नॉट, तो आपके पास के कितना आ गया, आपके पास के आ गया एच कॉमन फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट आ गया। ठीक है, अब ये जो के होता है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, के हमने क्या बोला है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब वेलोसिटी का पंगा दूर करने के लिए हम इसको वोल्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम ई वी नोट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दिया हमने। ठीक है, तो के की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, ई वी नोट इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नोट, तो यहां से देखिए आपके पास ई वी नोट आ चुका है, और ये ई वी नोट जब होता है तो उस टाइम के जो होता है आपका मैक्सिमम होता है, क्या होता है मैक्सिमम, मतलब काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी जो है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी EV नॉट इज इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी नॉट होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ एंड V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो, ये चीज याद रखना कि जो टोटल एनर्जी होती है इंसिडेंट फोटोन की वो किस किस तरह से काम आती है, जितना एनर्जी चाहिए इमिशन के लिए वो यूज होगी वो वर्क फंक्शन, बाकी बची एनर्जी उसके कहां चली जाती है, उसके मोशन में चली जाती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी से बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे देखिए, यहां पे हमारे पास के, जिसको हम के मैक्सिमम बोल देंगे, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम की वैल्यू भी ईवी नॉट होती है, इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी नॉट लिखा हुआ है, तो हमें पता है सी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी लिखूं तो सी बाय लैम्डा, अगर फ्रीक्वेंसी नॉट लिखूं तो सी बाय लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट मतलब इतनी वेवलेंथ तो होनी चाहिए, तो वो नॉट हो गया, तो रखेंगे यहां पे के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नॉट, सी सेम क्यों है, क्योंकि फोटोन की जो स्पीड होगी वो तो सेम चलेगी, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करता है ये। ठीक है, चलिए तो सी बाहर आ गया, तो के मैक्सिमम एच सी, अंदर कौन बचा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय
लैम्डा नॉट, 1 बाय लैम्डा नॉट। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ आप बोल सकते हो, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक बार फटाफट इसको नोट कर लो और एक बार चेक कर लेते हैं कि यही चीज है या कुछ चेंजेस हैं। एक बार रुकिए भैया, सिर्फ एक मिनट। ठीक है, बिल्कुल सही है भैया हमारे पास। ठीक है, और यहां से हम हर एक चीज निकाल सकते हैं भैया। जैसे अगर हमसे कोई बोले पोटेंशियल निकाल लो, मतलब ये नोट निकालो, तो आप ई इनके नीचे भेज देना, तब भी आपके आंसर आ जाएगा। मतलब वहां से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। तो ये आ गया आपके पास काइनेटिक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक बार जल्दी से नोट करिए। अब बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो है, अकॉर्डिंग टू यूर एनसीईआरटी। अब हम पढ़ने वाले हैं, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए भैया। अब हम पढ़ने वाले हैं वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो लाइट है, लाइट मतलब जो रेडिएशन है, वो दो तरीके से काम करती है। मतलब उसके दो नेचर है, कैसा, एक तो वेव जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया वेव ऑप्टिक्स में, और एक इस चैप्टर में पढ़ लिया पार्टिकल नेचर, इसका पार्टिकल नेचर जो कि फोटोन पढ़ा, और फोटोन से फिर हमने क्या, फोटोन यूज करके क्या कर लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब बढ़ते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जो एनसीईआरटी में है वेव नेचर ऑफ मैटर के नाम से उसे करते हैं, जो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के नाम से आता है हमारे पेपर में। ठीक है, उसे पढ़ेंगे। और भैया जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, रुकिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेविसन जर्मर है, हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो है हम फिर क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए इसको एक बार नोट कर लो, फिर करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आइंस्टाइन इक्वेशन से आगे, वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, जिसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलते हैं, और इसको जो प्रोनाउंस है डी ब्रोइस से किया जाता है, डी ब्रोइस इस तरह से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, मतलब हमें, सॉरी, वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर। हमें ये तो पता है कि मैटर किससे बना है, पार्टिकल से। अब ये बोला जाता है कि भाई वेव का, सॉरी, मैटर का पार्टिकल नेचर तो पता है हमें, क्योंकि मैटर किससे बने हैं, पार्टिकल से बने हैं, क्यों ना उसका वेव नेचर भी देखा जाए। मतलब कि ये रहा मैटर, हमें पता है कि मैटर किससे बना है, पार्टिकल से। अब ये बोला गया कि अगर मैटर एज ए पार्टिकल बिहेव कर रहा है, तो क्यों ना एज ए वेव भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको नाम दिया हुआ एनसीईआरटी में वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, या फिर किस नाम से और आता है ये पेपर में आपके पास, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली, कुछ भी आप नाम प्रोनाउंस कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बस स्पेलिंग जो है भैया वो चेक कर लेते हैं, ब्रोगली, हाँ, द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, डी ब्रोइस भी बोला जाता है इनको, डी ब्रोइस, इसको बोला जाता है क्या, डी ब्रोए, डी ब्रोइस, ऐसे प्रोनाउंस इस तरह से भी किया जाता है। तो भी डी ब्रोगली ने क्या बोला, सबसे पहली बात ये हाइपोथेसिस है, मतलब यहां पे कोई भी इसका मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखा था, प्रूफ नहीं था कि भाई हम, वो सिर्फ कॉपी तक, बुक्स तक, माइंड तक सोचा हुआ था बस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना की थी। डी ब्रोगली ने क्या बोला था, डी ब्रोगली ने क्या बोला था, देखिए ध्यान से, इट वाज द ओनली डी ब्रोगली वो पॉइंटेड आउट, वो पॉइंटेड आउट इट वाज द डी ब्रोगली वो पॉइंटेड आउट दैट व्हेन रेडिएशन जिसको हम क्या बोल रहे थे, लाइट, कैन बिहेव, when radiation can behave as wave
एंड पार्टिकल। वेल रेडिएशन कैन बिहेव एज ए वेव एंड पार्टिकल, देन व्हाई नॉट मैटर बिहेव्स एज वेव। कि जो मैटर है वो क्यों नहीं वेव की तरह करते, इन्होंने बोला, इन्होंने ये बोल दिया कि जिस तरह से रेडिएशन एज ए पार्टिकल बिहेव करती है, रेडिएशन एज ए वेव बिहेव करती है, वैसे ही आपका जो पार्टिकल है, सॉरी जो मैटर है, वो आपका पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही करेगा, वो आपका वेव भी शो करेगा। इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने क्या बोला, बिकॉज यूनिवर्सल हैज सिमेट्री। यूनिवर्सल जो है उसके पास सिमेट्री है, ठीक है। अगर पार्टिकल सॉरी अगर लाइट इस तरह के दो नेचर शो कर रही है, तो उस तरह से पार्टिकल भी शो कर सकता है और मैटर भी शो कर सकता है। सॉरी मैं पार्टिकल बोल रहा हूं, बरबर वो मैटर है, कि मैटर भी एज ए पार्टिकल एंड वेव कर सकता है। इन्होंने बोला कि अगर एक्सट्रीम हो पार्टिकल्स की जो मूव कर रही हो, ठीक है, इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द मूविंग पार्टिकल्स या फिर ये बोल सकते हो द मूविंग मैटर्स हैज वेव एसोसिएटेड विद दैट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एंड पी इज द मोमेंटम। ये मोमेंटम थी, ठीक है, ये बोला अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द मूविंग मैटर हैज वेव एसोसिएटेड विद दैट इज गिवन बाय दिस। कि जो मूविंग मैटर्स होते हैं उनके पास एक वेव होती है, और वो वेव इन्होंने किस तरह से लिखी थी, एच अपॉन पी। ये जो डी ब्रोगली है, इन्होंने ये हाइपोथेसिस लिखा था, मतलब बोला था, एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखा था, वो एक्सपेरिमेंट करा था किसने, डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने, जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो भाई ये बोला इन्होंने कि जब भी मूविंग मैटर्स होते हैं, पर मैं चेक कर लूं, एक मिनट रुकिए भाई, मैटर की जगह पार्टिकल्स भी आप लिख सकते हो, क्योंकि मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। तो भाई वो मोमेंटम वेवलेंथ इन्होंने दी वो कितनी होती, h अपॉन p होती थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अब इसका थोड़ा प्रूफ समझते हैं कि ये बात ऐसी थी, और देखिए इन्होंने ये चीज प्रूफ नहीं करी, सिर्फ बोली थी, इसकी इनकी इस लाइन के ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज मिला इनको इस चीज पे, ठीक है। चलिए तो इसी चीज को करते हैं फिर, इनकी इस बात को दूसरे साइंटिस्टों ने पकड़ा, जैसे कि आइंस्टाइन ने बताया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कि जो एनर्जी मास रिलेशन है वो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स जो E होता है वो क्या होता है, H फ्रीक्वेंसी होता है, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखिए C इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, C बाय लैम्डा, ठीक है। तो मतलब E बन गया आपके पास क्या, H C बाय लैम्डा। तो ये भी एक इक्वेशन हुई एनर्जी की, और ये भी एक इक्वेशन हुई एनर्जी की, फिर इन्हें कंपेयर कर दिया गया, कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला H C बाय लैम्डा, इधर है एम सी स्क्वायर, सी से ये सी कैंसिल, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, कुछ रहता तो नहीं है, एम सी स्क्वायर इधर है, एच इधर है, सी बाय लैम्डा, तो यहां से हमने लैम्डा निकाला, तो लैम्डा क्या बनेगा, लैम्डा इधर चला गया, यहां पे पहले से पड़ा एच और यहां पे नीचे आ गया एम इंटू सी। तो यहां पे एक चीज देखिए, एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है,
एंड एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल जो मूव कर रहा है, एंड सी इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल। मतलब यहां पे क्या कहा था डी ब्रोगली ने कि जब बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, और वो पार्टिकल क्या है, एक मैटर है, मतलब जब एक मैटर मूव कर रहा होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, वो है एच बाई पी, और वहां से कंपेयर करते हैं। तो देखिए इस चीज को लिख लीजिए एक बार, फिर डेरिवेशन करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसके एक बार। चलिए अब देखिए यहां पे अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से करते हैं, देखिए इन्होंने बोला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी हो गया, तो एम इज द मास हमने बोल दिया, सी इज द स्पीड बोल दिया, तो ये आ गया क्या आपके पास एक मोमेंटम आ गया, क्या आ गया भैया एक मोमेंटम आ गया, ठीक है, क्या आ गया ये एक मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से लिख सकते हैं, ठीक है, लैम्डा अपॉन एच अपॉन पी से लिख सकते हैं। अब यहां से क्लियर क्या हुआ कि जो ये वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ एसोसिएट है किसके साथ, फोटोन के साथ, एसोसिएटेड विद दिस वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन। तो हमने यही तो बोला कि जो फोटोन है वही तो पार्टिकल है, तो मतलब पार्टिकल की वेवलेंथ हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब अगर हम पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं लैम्डा, तो हम इसको एच अपॉन पी की जगह एम वी भी लिख सकते हैं, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला मिल गया क्या, मेन जो मिलना था ये वाला था आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा एच अपॉन पी, या फिर आप बोल दो लैम्डा एच अपॉन एम वी, इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट वो टॉपिक आता है आपके पास भाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, शायद ये टॉपिक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसे, वेट करिए आप। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक हमारे पास आता है, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, फिर करते हैं। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको देखते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे चार्ज है ई, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे चार्ज है ई, तो और उसको एक्सेलरेट किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है इसको एक पोटेंशियल वी के साथ, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास, जिसको हम एक्सेलरेट करते हैं विद पोटेंशियल वी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर से लिख सकते हैं। और ये जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वी से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कि काइनेटिक एनर्जी कब हो रही है, कि काइनेटिक एनर्जी कब हो रही है, जब आप एक चार्ज को एक्सेलरेट करा रहे हो विद पोटेंशियल वी के साथ, ठीक है, तो ये आपको क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर ई वी, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी, वी पोटेंशियल है, टू इधर चला गया ऐसे, इतना ठीक है। एम इज इक्वल टू एम वी स्केयर इज इक्वल टू टू ई वी, वी स्केयर निकाल लेते हैं, तो बना क्या टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एम वी स्केयर है, तो यहां पे अंडर रूट लगा देते हैं, इतना क्लियर, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखिए,
अब हमें एक चीज पता है कि एच क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो एच अपॉन एम वी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे कौन है, एम है। इस एम को मैं अंदर भेज रहा हूं, अगर मैं अंदर भेजूंगा यहां पे तो ये एम स्क्वेयर जाएगा अंदर, क्या जाएगा, एम स्क्वेयर जाएगा। अगर मैं इस एम को अंदर भेज रहा हूं तो एम स्क्वायर जाएगा, ये एम कट गया इससे, ठीक है कट गया। तो हमारे पास क्या रहा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी, ये रहा। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 एम ई वी, जी हाँ यही हमारे पास आ रहा है। अब यहां से अगर हम हर एक की वैल्यू रख दें, हर एक की वैल्यू रख दें, जैसे कि एच की वैल्यू रख दें, अंडर रूट 2 एक खुद वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक खुद वैल्यू आ जाएगी, एक ही एक वैल्यू है, मतलब यहाँ पे सिर्फ कौन बचता है, वी बचता है। तो मतलब अगर हम सारी चीजों को रखें, सभी चीजों की वैल्यूज रखें, सिर्फ वी को छोड़ दें, तो हमें वैल्यू मिलेगी 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, और यहाँ पे आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन, आर्मस्ट्रॉन 10 - 10 मीटर, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ऑप्शनल में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। यहां से वी हमने क्यों नहीं रखा, यहाँ पे वी की हम वैल्यू रख सकते हैं, वी की हम वैल्यू रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे इसको एक्सेलरेट करा सकते हैं, जो कि हम डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में करते थे, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके पास भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कर लिया, हाइपोथेसिस मतलब डी ब्रोगली ने जो बात बोली थी वो सिर्फ बुक्स तक थी, सोचने तक थी, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। उसको किसने एग्जीक्यूट किया था, उसको एग्जीक्यूट किया था डेविसन एंड जर्मर ने। तो डी ब्रोगली की बात ऐसी क्यों मानी गई, क्योंकि इन्होंने बोला कि यूनिवर्सल हैज सिमिट्री, कि जब लाइट मतलब रेडिएशन एज ए पार्टिकल बिहेव कर सकता है, रेडिएशन एज ए वेव बिहेव कर सकता है, तो क्यों नहीं मैटर एज ए पार्टिकल एंड मैटर एज ए फिर बिहेव कर सकता है, ये होगा, जरूर होगा, उन्होंने ये बात बोली थी। और ये हुआ आगे जाके, जिसको प्रूफ किया डेविसन एंड जर्मर ने, और इनकी इस लाइन पर, ये बोलने वाली चीज पर ही इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। डेविसन एंड जर्मर को भी मिला था क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूट किया इस एक्सपेरिमेंट को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है भैया, आपको अभी कुछ यूजेस जो है, सॉरी यूजेस नहीं, एप्लीकेशन जो है वो दिख रही हैं, एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि नोट्स मेरे नोट्स में से मैंने उठाई हुई है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और कहाँ कहाँ ये यूज होती है, क्योंकि इनको करवाने का फायदा नहीं है, इसके बाद सीधा न्यूमेरिकल पार्ट पे चलेंगे, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, सबसे पहले कहाँ पे यूज होती है, फर्स्ट है ऑटोमेटिक फायर अलार्म्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑटोमेटिक फायर अलार्म्स में यूज होता है, जैसे हीट मिलती है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ ये काम नहीं होता कि आपने लाइट फॉल कराई और उससे इमिशन हो गया, लाइट फॉल क्या काम करता है, हीटिंग का काम भी करता है, ठीक है। मतलब जो चीज हीट हो रही है, गर्म हो रही है, वो भी तो इमिशन कर सकती है, वो भी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकती है, तो वही चीज है ये। ऑटोमेटिक फायर अलार्म में जब आग लगती है तो वो जो वहां पे प्लेट्स लगी होती है ऊपर हमारी छत में, तो वो गर्म होती है, इमिशन होता है उससे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो करंट बनाते हैं, उससे सिग्नल जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक बर्गुलर अलार्म में, चोरी वाले में, ठीक है। स्कैनर इन टेलीविजन ट्रांसमिशन, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा फिल्म, इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर की थिकनेस मेजर करने के लिए, टू लोकेट फ्लास एंड और होल्स इन द फिनिश गुड्स, जो गुड्स बनाते हैं हम, जैसे कोई प्लाई बना रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं, तो इनमें कोई फ्ला या होल्स पोर्स तो नहीं होते, वो सब चीजें, ठीक है। इन एस्ट्रोनॉमी टू डिटरमाइन ओपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, फोटोमीट्री, ब्यूटी मीटर, लाइट मीटर, फोटो इलेक्ट्रिक शॉर्टिंग, जो कि सेलर्स में यूज होता है, सेलर्स मतलब समझते हैं ना, जो बड़े बड़े मतलब चावल बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, वो सेलर होते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक शॉर्टिंग, फोटो काउंटिंग, मतलब किसी हॉल में आपको बंदे काउंट करने हैं, तो ये नहीं है कि आप एक एक को काउंट करोगे, वहां पे हम एक सिस्टम लगा देते हैं जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वो काउंट करता रहता है, ठीक है। और मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये सब चीजें थी एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर करते हैं हम न्यूमेरिकल, फटाफट से जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर न्यूमेरिकल का पार्ट करते हैं। चलिए तो न्यूमेरिकल करते हैं,
और आपको स्क्रीन पे दिख रहा है न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है ये, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वेट करिए, इसको रन कर देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें आपको ये क्या बोल रहा है, इसमें आपको ये बोल रहा है भाई कि आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6.0 × 10^14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रहा है 6.0 × 10^14 हर्ट्ज, ये बोल रहा है, ठीक है। इज प्रोड्यूस बाय ए लेजर, ए लेजर से प्रोड्यूस होती है। द पावर एमिटेड इज, यहां पे पावर दी हुई है आपको, पावर एमिटेड इज 2 × 10^-3 वोल्ट, 2 × 10^-3 वोल्ट, नॉट वोल्ट, इट्स वोट, पावर है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, पहला पार्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। पूरा पढ़ते हैं इसको, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द लाइट बीम। तो भैया ये तो सिंपल है, ई की वैल्यू निकालनी है। ई क्या होता है, एच, फ्रीक्वेंसी। एच कितना होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, 6.62 × 10^-34, आई थिंक, देख लेते हैं, या −34, 3 होता है यहाँ पे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, ये रही 6.0 × 10^14, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैथ है भाई, इससे आगे कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है। इसको सॉल्व कर लोगे, पावर साइड आ जाएंगे, अभी 20 बचेगा, 10 − 20, इसको करोगे जो आएगा, तो वो आपके पास बचेगा ई। ई की वैल्यू आएगी 3.98, 3.98 × 10^-19, और एनर्जी है ये, तो ये आएगी किसमें, जूल में। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट, ये हुआ आपके पास फर्स्ट पार्ट, कुछ भी नहीं है। एनर्जी पूछी थी, एच फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज द जो गिवन है वो पुट करेंगे, सिर्फ आगे तो सिंपल मैथ करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। सेकंड पार्ट पूछ रहा है, देखिए सेकंड पार्ट पूछ रहा है, हाउ मेनी फोटोन पर सेकंड ऑन एन एवरेज आर इमिटेड बाय द सोर्स, कि कितने फोटोन निकल रहे हैं। तो भाई ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए, नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए आपको पता क्या करना है, पावर बाय एनर्जी को डिवाइड कर देना, पावर बाय एनर्जी। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय द सोर्स इज इक्वल टू पावर बाय एनर्जी। तो पावर गिवन है, पावर इज 2.0 × 10^-3 अपॉन ई, ई इज 3.98, 3.98 × 10^19, 10 − 19 ऊपर गया है यहाँ पे, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 16 हो जाएगा, प्लस का 16, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना और आपके पास आंसर आ जाएगा 5.0 × 10^15 फोटोन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये था एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल और सॉल्व एग्जांपल है भैया ये। सेकेंड देखिए, सेकेंड भी आपके पास दिया हुआ है, इसमें आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है किसका, सीजियम का, जो कि है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा सॉल्व एग्जांपल हम कर रहे हैं, दूसरा सॉल्व एग्जांपल करते हैं, मैं हिंट दे रहा हूं इन सब क्वेश्चंस की, पूरा एक एक चीज कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो दूसरा है आपके पास भाई सॉल्व एग्जांपल, वो आपको वर्क फंक्शन गिवन कर रहा है, वर्क फंक्शन किसका, सीजियम का, जो कि है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड, फर्स्ट में ही बोल दिया उसने, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क फंक्शन हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई, क्या होता था यहां पे, सॉरी ऐसे नहीं था, ये एच फ्रीक्वेंसी नॉट था, ऐसे था ना, एच फ्रीक्वेंसी नॉट, ये हमने पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी नॉट निकालते हैं, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वही तो पूछी है। तो फाई बाय एच, फाई कितना दिया हुआ है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
एच कितना है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10^-34। क्या एक्स्ट्रा चीज करनी है हमें यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 10^-19 सी वोल्ट में ही रहेगा ना फिर ये, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी नॉट आ जाएगा आपके पास, हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे बस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो आपके पास आ जाएगा ये पोर्शन, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी का जो आएगा वो आएगा 5.16 10^14 हर्ट्ज। इस तरह क्या दिया था इसने, वर्क फंक्शन दिया था, उससे आप इसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे क्यों पूछ रहे हैं, बी पार्ट में पूछ रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय ए स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 वोल्ट। सेकंड में पूछ रहा है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब ये वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका कितना दिया है, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका, एक मिनट रुकिए, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया हुआ इसने 0.60 वोल्ट, ठीक है, इसको करते हैं तो पूरा हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन यहाँ पे यूज होगा, पूरा आइंस्टाइन इक्वेशन यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए कैसे करना है इसको, लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी ये लैम्डा निकालना है आपने, ये चीज इसने दी हुई है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो थी मैक्सिमम वो किसके इक्वल थी, फ्रीक्वेंसी, सॉरी एच फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट के इक्वल, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारी जो टोटल एनर्जी थी वो किसके इक्वल थी, वो वर्क फंक्शन के इक्वल थी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली तो ये ई माइनस फाइव हो गया, फाइव मतलब वर्क फंक्शन हो गया था। तो की के मैक्सिमम कब होता है, जब इसको हम ई वी नॉट लिखते हैं, इज इक्वल टू ई कितना होता है एच फ्रीक्वेंसी, एच फ्रीक्वेंसी नॉट, तो ये क्या होगा एच बाहर फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट, ऐसे कर सकते हो या आप डायरेक्ट करो क्योंकि हमारे पास ये चीज गिवन है। तो एक वर्क फंक्शन इसको लिख दो क्या एच फ्रीक्वेंसी, इसको लिखो फाई सीधा, तो ई अब आपको निकालना है क्या वेवलेंथ पूछ रहा है, तो वेवलेंथ यहां पे पुट कर सकते हैं, इंसिडेंट लाइट तो यही थी इसी की वेवलेंथ निकालते हैं। तो वेवलेंथ कैसे निकलेगी, सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा, वेवलेंथ इज सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या होगा सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा, तो यहां पे होगा एच सी बाय लैम्डा, यहां पे है फ्रीक्वेंसी और ये वी नॉट यार, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, इतनी चीज क्लियर। अब ये हमसे क्या बोल रहा है एच सी बाय लैम्डा कर सकते हैं तो बनेगा ई वी नॉट प्लस दिस, मतलब अगर आपसे ये लैम्डा बोल दे, अब लैम्डा आपको निकालना है तो आप लैम्डा कैसे लिखोगे एच सी बाय ई वी नॉट प्लस फाइव, आई थिंक ऐसा ही होगा एच सी बाय ई वी नॉट प्लस फाइव, हाँ ऐसे हो। तो एच आपको पता है, सी आपको पता है, ई की वैल्यू आपको पता है, वी नॉट गिवन है 0.60 वोल्ट, वर्क फंक्शन आपको गिवन है, तो क्या भाई लैम्डा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर आपको 454 नैनोमीटर मिलेगा, 454 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके सिलेबस में और इस चैप्टर में, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सारे आसान ही हैं। चलते हैं अभी के लिए, ये भाई छोटे छोटे न्यूमेरिकल ही हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक अलग से क्लास भी हम लगाएंगे न्यूमेरिकल्स की, जिस टाइप के बनते थे वो करवाए हैं, और आप सोल्ड एग्जांपल देख लेना, उससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतने ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेंगे आपके इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में आपको थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा मिलेंगे, न्यूमेरिकल बहुत कम मिलेंगे। मैंने पहले बोला था कि मॉडर्न फिजिक्स जहां से स्टार्ट होती है वहां से आपका फिजिक्स का थ्योरी पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, और उस पोर्शन को बहुत डीप में पढ़ा करो। और मैं भाई पहले से बोल रहा हूँ कि जो भी मैं वन शॉट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वन शॉट आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की रिवीजन के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि वन शॉट करिए सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वन शॉट पढ़ लो, आप अपने क्वेश्चन लगा के देख लो, अगर आपको लगता है कि वन शॉट पढ़ने के बाद मेरे क्वेश्चन सारे लग रहे हैं तो बढ़िया है, फिर वन शॉट से पढ़ लो। लेकिन
वन शॉट जो है भाई वो सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए, एक बेस्ट वाली रिवीजन के लिए। मान लीजिए कोई चैप्टर आप 6 7 दिन 8 दिन 10 दिन में पढ़ रहे हो, उसको आप 2 घंटे 3 घंटे में पूरा कर सकते हो और एक बेस्ट तरीके से पूरा कर सकते हो, ये मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, तो इसी के साथ जो है भाई हमारे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक सिंगल वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया और एक बहुत बढ़िया चैप्टर आई थिंक हमने यहाँ पे कर लिया, बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि भाई टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगल सर के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चैट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, तो वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जैसे आप पेपर पास आएंगे नवंबर दिसंबर जनवरी, जैसे जैसे पास बढ़ते जाएंगे अब, तो ग्रुप्स में भी जो है भाई टेलीग्राम चैनल में भी बहुत कुछ आने वाला है, चाहे वो आपके नोट्स के रिगार्डिंग हो, क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो, मेमोरी मैप्स हो, हर एक यूनिट के। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नए वन शॉट के साथ, एक नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।